स्काला को एक और वीडियो में स्वागत है। स्काला थ्री सीख रहे थे तो एक चीज स्मॉल शॉर्ट वीडियोस बना रहा हूँ स्काला का। स्काला बाय डिफॉल्ट क्या बोलता है, इम्यूटेबिलिटी चाहता है। मतलब क्या, मैं कुछ उसकी कोई भी वेरिएबल बना रहा हूँ, कुछ भी चीज डिक्लेयर कर रहा हूँ, उसको मैं चेंज ना करूँ, उसकी वैल्यू को मैं चेंज ना करूँ। इसलिए बाय डिफॉल्ट स्काला का यूज करता है, वैल का यूज करता है, वेर का यूज नहीं करता है। वेर में एक्सप्लिसिटली बताते हैं कि हम इस वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं, इसको आप चेंज करो। वैल क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है, वी कांट चेंज द वैल्यू, तो वैल को प्रिफर करता है। ठीक है, आपको समझना पड़ेगा ये चीज। यहाँ पे कुछ भी, यहाँ पे अगर आप बाय डिफॉल्ट वैल लेता है ये, ठीक है ना। तो मैं अगर यहाँ पे दिखाऊँ ये क्या ले रहा है, ये तो मुझे कुछ दिखा नहीं रहा है, बट ये बाय डिफॉल्ट वो एमबी को वैल लेगा, वो वैल लेगा। स्काला थ्री के वीडियो में स्वागत है आपका। स्काला थ्री कवर कर रहे थे, एक और चीज स्काला थ्री में यहाँ पे कवर करेंगे, एनोनिमस फंक्शन। पाइथन में इसको लैम्डा बोलते हैं, सॉरी लैम्डा बोलते हैं। लैम्डा फंक्शन आपने पता होगा, इनलाइन फंक्शन होते हैं, लैम्डा फंक्शंस होते हैं, एनोनिमस फंक्शन यहाँ पे स्काला में बोलते हैं। तो एनोनिमस फंक्शन लिखते हैं यहाँ पे, एनोनिमस फंक्शन। कोई भी एक मैं फंक्शन बनाता हूँ, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक इंट बनाता हूँ, यहाँ पे मैं इसको लिस्ट बना देता हूँ। स्काला में किस तरह लिस्ट बनाते हैं, एरर बनाते हैं, सबको ऑलरेडी कवर कर रखा है। अगर वो वाली चीज नहीं फॉलो किए, वो वीडियो फॉलो नहीं किए, जाकर स्टार्ट कर सकते हो। 2, 3 और 4 मैंने यहाँ पे लिस्ट में डाल दिया। अब मुझे इसको ट्रिपल करना पड़ेगा, ट्रिपल्स। तो मेरा जो इंट्स है, डॉट वैम मैप फंक्शन का इस्तेमाल करूंगा और इसको अंडरस्कोर डालूंगा, इनटू 3 कर दूंगा। अब मैं फॉर लूप का इस्तेमाल करके, अगर फॉर लूप का इस्तेमाल करूंगा, फॉर आई ट्रिपल्स प्रिंट एनल, हाँ डू डू करोगे प्रिंट एनल आई एंड फॉर, इतना एरर क्यों दिखा रहा है भाई? इंडेंटेशन का दिक्कत है क्या भाई? क्या दिक्कत है भाई इसकी, मेरे को समझ में नहीं आती। इंडेंटेशन ढंग से नहीं कर रहा है यार, बहुत बेकार इंडेंटेशन है यहाँ पे इसका। और ये मैंने वैर क्यों किया यार, वैर होना चाहिए ना, वैर कर देता हूँ। सही कर दिया यार, पाइथन की आदत है यार, कोलन डाल दिया था। फालतू में एडिटर को बोल रहे हैं। देखो यार, 2, 3, 4 था ना, तो 3 किया 3, 2 जा 6, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, आंसर आ गया ट्रिपल। सो मेरे क्या ना, मैंने इनलाइन फंक्शन बना दिया इस तरह से, बोल सकते एनोमलस फंक्शन होता है ये। मैं इसको एक और चीज कर सकता हूँ, मैं अगर यहाँ पे करूँ वैर एम बी इक्वल टू सिंपल इंट से ना, डॉट मैप फंक्शन का इस्तेमाल करूंगा, आई करूंगा इस तरह से करूंगा, आई इंटू 3, 5, 4 करते हैं इस बार। और ट्रिपल्स की जगह पे यहाँ पे यार 2 बार क्लिक कर रहा हूँ, हो भी नहीं रहा, रुको यार एम बी बता देता हूँ। अप रन करता हूँ, देखो अब यहाँ पे रन करूंगा ना, तो ये मल्टीप्लाई होगा 4, 4 उस करते, देखो 4 2 जाए 8, 4 3 जाए 12, 4 4 16। इस तरह से मैं ये इस तरह से भी कर सकता हूँ, या फिर मैं एक्सप्लिसिटली इसको बता सकता हूँ मेरा कौन सा टाइप है। टाइप बताना चाहता हूँ तो मैं बता सकता हूँ इस तरह से, ऐसे करके ब्रैकेट डालना पड़ेगा इंटीजर, बताना चाहूँ तो, नहीं तो फिर नहीं बताऊंगा मैं। तो ये हमारा है क्या, ये हमारा एनोनिमस फंक्शन है इसका, स्काला 3 में। आओ वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, अगले वीडियो में मिलते हैं।